चलिए डियर स्टूडेंट, आपको 10th क्लास का त्रिकोणमिति में 8.1 का चैप्टर हल करने से पहले आपको सबसे पहले मान सारणी याद रखना होगा। तो इस मान सारणी को याद रखने का सबसे आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, जो आप इस ट्रिक को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, साइन 45 डिग्री किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। ट्रिक है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इन सभी को 4 से भाग दे देना है, बटे में 4, 4, 4, और फिर इसके बाद इसके होल अंडर रूट कर देनी है, ठीक है। अब हम किसी भी संख्या से 4 में भाग देने पर हमको क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, ठीक है, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें 4 से 0 में भाग दिए तो 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। अब 1/4 भाग देंगे, नहीं लेगा, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1/2 हो गया। और देखिए यहाँ से 2 से 4, 2 मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 मतलब कि यहाँ पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पे √2। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आई होगी, चलिए समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है √2/4, पूरा का है रूट, ठीक है, 2 2 की 4 मतलब कि √2/√, ऐसे तो √1 का वर्गमूल 1 होता है, फिर √2, तो यहाँ पर 1/√2 हो गया, ठीक है। और चलिए यहाँ पे √3, तो √3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा सिर्फ, और 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 तो इससे 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा √1, तो √1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। अब इसको क्या करना है, सीधा कुछ नहीं, इधर से स्टार्ट करना और इधर से लिख देना है, तो 1, और फिर इसको लिख देना इसके स्थान पे, ठीक है, √3/2, 1/√2, 1/2, और क्या, 0, ठीक है। अब हमको देखना है साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया, ठीक है। इसी का क्या कर दें, इधर से लिख दें, तो इसका मान आ गया cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 19 डिग्री 0। अब हमको निकालना है tan 0 डिग्री के मान, तो क्या करना है, tan 0 डिग्री के मान ज्ञात करने के लिए, tan 0 डिग्री के मान तो किसी भी, अब इसको मैं हम भागा देना, ठीक है, अब 1 से भागा देना है 0 में, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमको भाग देना है 1/2 में भाग देना है √3/2 से, देखिए भाग देते हैं, देखिए √1/2/√3/2, इसको गुना में बदलेंगे 1/2√2/√3, दूसरे दुखांतर बटा 1/√3 आ गया, ठीक है, 1/√3, यहाँ पे आपका आ गया 1/√3। अब इसको भागा देंगे तो ये सिंपल ही तो कट जाएगा 1, अब इसको भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा √3। अब 0 से भागा देंगे 1 में तो क्या होता है, अपरिभाषित नहीं लगता है, इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, अपरिभाषित, ठीक है। अब चलते हैं cosec, ठीक है, cosec 0 डिग्री का मान क्या होगा, चलते हैं देखते हैं cosec 0 डिग्री का मान। सबसे पहले तो ये होता है, देखिए साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है, cosec ए होता है, इसके अनुसार
क्या करना है, इसका भी उत्कलन, साइन का भी उत्कलन कौशिक होता है तो इसका भी उत्कलन करना है। तो जीरो है साइन जीरो डिग्री का मान जीरो है, साइन जीरो डिग्री का मान क्या है जीरो, तो जीरो है तो इसका ए जीरो बटा ए कर सकते हैं, इसका भी उत्कलन मतलब उल्टा करना है, तो इसको वन करना है ना, वन बाई जीरो, ठीक है वन बाई जीरो। और वन बाई जीरो तो जीरो में एक से भाग देंगे, वन बाई जीरो तो जीरो से वन में भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित होगा। यहाँ पे आपका कौशिक का जीरो डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। आप चलते हैं, अब इसका भी उत्कर्ण करना है कि साइन 30 डिग्री का मान को क्या करना उल्टा कर देना, तो इसको तो दो ऊपर चलेगा दो बटा एक, तो सिर्फ दो लिखा जाएगा, ठीक है। फिर साइन कौशिक 45 डिग्री निकालने के लिए साइन 45 डिग्री का मान को क्या उलटना होगा, उलटना होगा तो इसको रूट दो ऊपर चल जाएगा और वन नीचे, तो वन तो लिखा गया तो रूट दो। अब साइन कौशिक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 60 डिग्री के मान को उलटना होगा, ठीक है साइन 60 डिग्री, तो इसको उलटना है तो दो बाई रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है तो वो इसको कौशिक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 डिग्री का मान को उलटना होगा, तो इसको सिर्फ एक हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जिस प्रकार इसमें किए हैं उसी प्रकार सेक में भी करना है। तो सेक में करने के लिए आपको क्या होगा, इसका मान कॉस का मान उलटना है, सेक में कॉस का मान उलटना है, तो इसमें सेक के लिए कॉस का मान उलटे हैं तो सिर्फ एक होगा, और सेक 30 डिग्री के मान निकालने के लिए कॉस 30 डिग्री का मान को उलटना हो तो दो बाई रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 45 डिग्री के मान को उलटना होगा तो रूट दो ऊपर चल जाएगा, ठीक है रूट दो। फिर सेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 60 डिग्री का मान को उलटना होगा, तो यहाँ पर ये वन बाई टू है तो सिर्फ ऊपर दो। फिर सेक 90 डिग्री निकालने के लिए कॉस 90 डिग्री का मान पलटना होगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा जीरो है, कॉस कितना है जीरो है, कॉस जीरो, देखिए कॉस जीरो बाई वन इसको पलटना है तो वन बाई जीरो, तो जीरो से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा इन्फिनिटिव होता है, ठीक है इन्फिनिटिव। अब कॉट का मान निकालना है, अब कॉट का मान निकालना है, इसको एक से भाग देना है इन्फिनिटी में, किसी भी संख्या से इन्फिनिटी में भाग नहीं तो क्या लाएगा, नहीं इन्फिनिटिव होगा, ठीक है इन्फिनिटिव। अब इससे भाग देना है, इन्फिनिटिव होता है या तो यहाँ पे कॉट का मान निकालना है, तो कॉट का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है टैन का व्युत्क्रम कॉट होगा, टैन का व्युत्क्रम कॉट, तो टैन का मान को उल्टा से यहाँ पे लिखते चले जाना है, हमको कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं टैन का मान इधर से लिख देना है, कॉट में इधर से सरिया देना है, हमको कॉट का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे इन्फिनिटिव, फिर उसके बाद रूट थ्री है, उसके बाद कितना है वन, फिर वन बाई रूट थ्री, उसके बाद जीरो, यह हमको कॉट का मान प्राप्त हो गया। कितना आसान है, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं या तो फिर कौशिक के मान को सेक के मान से भाग देना है, तो इन्फिनिटिव में एक से भाग देंगे तो हमको इन्फिनिटिव ही प्राप्त होगा, या फिर दो में भाग देना देंगे दो बटा रूट थ्री में तो हमको दो से दो तो कट जाएगा और रूट थ्री बच जाएगा। देखिए किस प्रकार होगा, दो में भाग देना है हमको, कितने से दो में भाग देना है, दो में भागा देना है दो बटा रूट थ्री से, दो भागा दो बटा रूट थ्री, तो दो बटा एक गुना रूट थ्री बटा दो, दो से दो कट गया हमको बचा रूट थ्री बचा, ठीक है इसका मान आ गया रूट थ्री। अब इसको देखना है रूट दो से रूट दो कैसे भी कट जाएगा तो एक आएगा, फिर रूट दो रूट दो बटा रूट थ्री में भाग देना है दो से, देखिए दो बटा रूट थ्री भागा दो, इसको गुना बदलना है तो दो बटा रूट थ्री, इसको बटा ये करते हैं गुना वन बाई
दो, दो से दो कट गया, आपका मान आ गया वन बाई रूट थ्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया वन बाई रूट थ्री। अब इसको मैं वन से भागा देना इन्फिनिटी में, आपका मान कितना आता है, जीरो प्राप्त होगा। ये आपका सारणिक मान निकल गया। आई होप यू कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप इस टेबल को अच्छी तरह से कमांड कर लेते हैं तो आपका त्रिकोणमिति मान निकालने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और ना ही याद करने की आवश्यकता होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने लेने पर। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को यदि समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करें।